नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी गेट के बाहर अभी हम हैं और आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती जो कि 1,70,461 शिक्षक की भर्ती निकाली गई है थी, उसका अब रिजल्ट देने का सिलसिला जारी है, लेकिन रिजल्ट देने की रफ्तार जो है वो काफ़ी स्लो है। आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि रिजल्ट देने की प्रक्रिया चालू हो गई है और बहुत जल्द जो है वो सारा रिजल्ट दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज जो है छात्र इंतजार कर रहे हैं कि क्या आज प्राथमिक विद्यालयों के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो आपको हम बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक के रिजल्ट जारी होने की संभावना 1-2 दिनों में तो नहीं है। आज तो बताएं आपको कि आज जो है संभावना एकदम न के बराबर है प्राथमिक विद्यालयों के रिजल्ट के, क्योंकि अगर आप देखें अगर आप तो कल 3 बजे के बाद से रिजल्ट देने की प्रक्रिया शुरू की गई। और बता दें आपको हम कि कल से अभी तक केवल 11वीं और 12वीं के 23 सब्जेक्ट जो हैं उसी के रिजल्ट दिए गए हैं। अभी देखा जाए बीपीएससी के साइट पर, अभी हम खबर कर रहे हैं इस समय लगभग 7:45 हो रहा है, तो 23 सब्जेक्ट के ही रिजल्ट दिए गए हैं, यानी कि अभी 7 विषयों के रिजल्ट जो हैं वो 11वीं से 12वीं के दिए जाने बाकी हैं। इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि इस माध्यमिक की जो विद्यालय हैं उनका रिजल्ट भी पहले से यह बताया गया था कि सबसे पहले प्लस टू लेवल के रिजल्ट दिए जाएंगे, उसके बाद 9वीं 10वीं के दिए जाएंगे और अंत में प्राथमिक विद्यालयों के दिए जाएंगे। ऐसे में प्राथमिक विद्यालयों के रिजल्ट की संभावना जो है वो उसमें देरी होगी। और आप देख भी लें कि बीपीएससी का जो साइट जो है वो क्रैश कर जा रहा है, अपलोड होने में काफ़ी समस्या हो रही है। और इससे भी ये साबित होता है कि देखिए आज अगर प्लस टू के ही सभी विषयों के रिजल्ट जारी हो जाए तो यही काफ़ी है, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो सुबह से लेकर अभी तक मात्र 7 विषयों के ही रिजल्ट जारी किए गए हैं और 7 का होना बाकी है। इसके बाद बता दें आपको कि जो 9वीं 10वीं के जो हैं वो 9वीं 10वीं के आपको बताएं हम कि 9वीं 10वीं के अभी 10 पेपर जो हैं उनके रिजल्ट देने हैं। अगर ये रफ्तार रहा जो अभी चल रहा है तो विजयदशमी तक जो है वो सारा कुछ फाइनल होगा, यानी कि प्राथमिक के रिजल्ट जो है वो 22 तारीख से पहले आने की संभावना जो है वो काफ़ी कम दिख रहा है। और आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने भी कहा कि दुर्गा पूजा से पहले हम सभी रिजल्ट दे देंगे। इससे भी ये साबित होता है कि रिजल्ट देने की प्रक्रिया जो है वो लंबा चलेगा और समय लगेगा। और बताएं आपको कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में ही है, लगभग 72,000 के आसपास रिजल्ट देना है, जैसा कि एचपीसी में बताया गया, तो 72,000 रिजल्ट देना है और उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी जो है तो ये सारा कुछ तैयार हो चुका है जैसा सुनने में आ रहा है। और आपको बताएं कि जो अपलोडिंग से पहले जो है वो काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत सारे पेपर हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट है, सब कुछ को बारीकी से देखना होता है और इससे समय लगने की पूरी संभावना है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो प्राथमिक विद्यालयों के हैं, मेरा तो यही सलाह रहेगा कि आप 20 के बाद ही अपना रिजल्ट देखने के लिए बीपीएससी का साइट खोलें, क्योंकि आपको बता दें कि आज अगर 11वीं 12वीं के ही सारे रिजल्ट दिए जाते हैं यही काफ़ी होगा। आज माध्यमिक के भी कम चांस है, माध्यमिक का भी रिजल्ट आज जारी हो जाए इसकी भी संभावना जो है वो कम बन रही है। माध्यमिक को लेकर जो आपको बता दें कि कल की पूरी संभावना है कि कल माध्यमिक का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आज रात तक बताएं आपको हम कि 11वीं 12वीं के ही बचे हुए 7 सब्जेक्ट उसके रिजल्ट दिए जाएंगे, कल 9वीं 10वीं के और प्राथमिक विद्यालयों के रिजल्ट में समय लगेगा। अभी 2-3 दिन जो हमें जानकारी मिल रही है और जो आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने कहा कि दुर्गा पूजा यानी कि विजयदशमी 24 तारीख को है, उससे पहले सारे रिजल्ट दे दिए जाएंगे। तो संभावना है कि 20 के बाद ही प्राइमरी विद्यालयों के रिजल्ट और खासकर उम्मीद है कि 22 तक दिए जाएं। तो देखिए क्या होता है। ये हालांकि बता दें आपको हम कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, कोई रिजल्ट जो है कहीं बीपीएससी अपना सबको जल्दी अपडेट कर दे तो जल्दी भी दिया जा सकता है, लेकिन संभावनाएँ न के बराबर है। आपको बता दें कि हमारे सोर्स ने बताया है कि प्राथमिक विद्यालयों के तो आज आप मानकर ही ना चले कि रिजल्ट आ रहा है, संभावना शून्य है प्राथमिक विद्यालयों का। हाँ, माध्यमिक का जो है उस पर इन्होंने कहा कि हो सकता है कि जल्दी कहीं अगर सारी प्रक्रिया तेज़ हो जाए तो माध्यमिक के भी हम रिजल्ट आज तक दे दें, लेकिन प्राथमिक के रिजल्ट आज जारी होने की संभावना जो है वो न के बराबर है।
तो देखिए जो भी कैंडिडेट जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है 11वीं से 12वीं में, वो वेबसाइट को देखते रहें, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है आज रात तक संभावना है कि पूरा कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।